तो अभी आते हुए देखा कि उड़न खटोले के लिए और रोपवे के लिए कोई भी लाइन नहीं थी और टिकट भी नहीं दे रहे थे, तो समहाउ हमने बात करके अरेंज करा तो वन वे गार्ड उन्हें टिकट दे दिया और तो अभी रोपवे से जाएंगे। भावेश जी कैसा लग रहा है, रोपवे से जाने को मिलेगा? तो दोस्तों आप पावागढ़ जा रहे हैं तो सबसे पहले आप रोपवे का जो टिकट है वो ऑनलाइन बुक कर दे। अगर आपको रोपवे से जाना है तो ऑनलाइन बुक करके ही जाइए, तो उसके लिए साइट खोलना पड़ेगी udankhatola.com। आप गूगल पे जाए और udankhatola.com खोले जैसे देख सकते ये साइट खुल जाएगी। यहाँ पे दो तीन और जगह के उड़न खटोले के टिकट मिलते हैं, आपको पावागढ़ सर्च कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए बुक नाउ पे क्लिक करके थोड़ा नीचे जाके आप अपनी पहले डेट फिक्स कर लीजिए, जैसे हमने 5 से 6 अक्टूबर की एक एग्जाम्पल के लिए करी, और टाइम स्लॉट कर लीजिए तो आपको टाइम स्लॉट में बिना रोके अलग लाइन से जाने दिया जाएगा। ये देखिए हमने टाइम स्लॉट करा बुक और ये करा, आप देख सकते हैं नॉर्मल टिकट है, चाइल्ड टिकट अलग है, तो जितने आप उस हिसाब से बुकिंग बढ़ा के उसको बुक कर सकते हैं। और वन वे का जो फेयर है वो 150 है। ये देखिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन पावागढ़ के बारे में। अब करेंगे नेक्स्ट, जाएंगे नेक्स्ट पे जाते हैं और फिर नेक्स्ट पे जाके आपको पेमेंट करना है, अपना नाम डाल के एंटर, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें। और एक बार बुक करने के बाद आपको टिकट, आपको अपना टिकट की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर दिखाएंगे तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, आपको ऑनलाइन बुक करके ही जाना है अगर आप रोपवे से ऊपर जाना चाहते हैं। वो अब आ गए उड़न खटोले के पास वो रहे। तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि हम पैदल चढ़े थे और अब जब उतर रहे तो हमने इन्हें हम बोल सकते जुगाड़ करके टिकट रोपवे का ले लिया है। पर एक बात का आप ध्यान रखें, आपको ऑनलाइन बुक करके ही आना है वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना रही है। ऑनलाइन अगर बुक करके आते तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है, लाइन में नहीं लगना पड़ता है। तो आप अभी नवरात्रि में जा रहे हैं तो याद से आप ऑनलाइन बुक कर ले टिकट, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो चलिए बैठते हैं रोपवे में। तो आ गया हमारा उड़न खटोला रेड कलर का, अब इसमें बैठेंगे, 4 जने ही बैठेंगे हम। मिल गया अभी सेपरेट उड़न खटोला, ये चला भैया। अब आया तो व्यू का मजा भाई, ये तो फास्ट चल रहा है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्केरी लग रहा है, मतलब डर तो लग रहा है भाई, डर भी लग रहा। तो दोस्तों अभी आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको अभी मैं बीच में चल के नीचे का व्यू दिखाऊंगा, बिल्कुल कैमरा बाहर निकाल के अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कितना ज्यादा नीचे है और डर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, पेट में गुदगुदी चल रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो सामने टावर आ रहा है, सबसे ज्यादा डर यहाँ लगता है, जब ये बिल्कुल एकदम निकलता है तो आवाज करता है घट 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 घट, जब लगता है कि गिर नहीं जाए, बहुत ही ज्यादा स्केरी है। देख सकते हैं ये, देखिए आप ये इधर घट घट करता है। हमको ऊपर चढ़ने में लगा था 1.5 घंटा और नीचे उतरने में लगे हमको 15 मिनट भी नहीं लगे, बस जो लाइन में लगना था। लाइन में तो आपको भी जो मेन रोपवे की लाइन है जहाँ अंदर से टिकट दिखाते हैं वहाँ से तो आपको भी लाइन में लगना पड़ेगा, पर वहाँ से आपका नंबर 20 से 25 मिनट में आ जाएगा और हो सकता है अगर कम भीड़ हो तो वो जल्दी आ जाए, सब क्राउड पे डिपेंड करता है। तो देखिए आप नीचे देख सकते हैं ये जो खाई दिख रही है यहाँ से पूरा रास्ता, और नीचे जो पूरा लोहे का वो बना रखा है कि कभी कोई रोपवे गिरे तो उस पर गिरे, खाई में नहीं गिरे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है यहाँ से।
हाँ तो दोस्तों देखिए आप ये रोपवे का व्यू पूरा, आप ऊपर तक पहुंच जाते। रोपवे से जाने के बाद भी आपको कुछ सीढ़ियाँ तो चढ़ना ही पड़ेगी, आपको थोड़ा चढ़ना पड़ेगा। ये देखिए एंड आ चुका है, अब निकलते हैं बाहर। तो आप देख सकते हो मतलब कितनी ज़्यादा बड़ी मशीन लगा रखी है। ये देखिए कितना बड़ा राउंड घूमता है और कितनी पावर होगी जो इतने सारे रोपवे खींचता है। एक अलग एक्सपीरियंस है इसको देखने का भी, और बहुत ही तेज चलता है ये वाला रोपवे, तो बहुत ज़्यादा तेज है। ये देखिए कितना बढ़िया सर्कल सा घूम रहा है, जो बीच में टायर है। तो अभी आ गए हैं नीचे, उतर गए उड़न खटोले से। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, थोड़ा स्केरी भी था बट ओवरऑल तो मज़ा आ गया। तो वन वे के जो टिकट्स के चार्जेस थे वो थे 115 रुपीज़। तो और मतलब कितनी देर में आ गए हम लोग, 5 मिनट मैक्सिमम। हाँ 5 से 7 मिनट में हम लोग नीचे आ गए। तो अब जाएंगे कार पे और अब कार उठाएंगे और अब देखते हैं नेक्स्ट अभी कहाँ जाने वाले हैं। तो अभी कार में बैठ के देखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस गूगल मैप से और फिर डिसाइड करते हैं कि जाना कहाँ।